हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत एंड टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज इस सीरीज़ का ये पहला एपिसोड आज हम लॉन्च कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस सीरीज़ की प्लानिंग चल रही थी लेकिन अब ये सीरीज़ फाइनली हमारी तैयार हो गई है। एंड इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे बाइक एंड कार से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं, या उनके पार्ट्स को लेकर होगा या उनके इंजन स्पेसिफिकेशन को लेकर जो भी टेक्निकल पार्ट्स होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक काफ़ी अच्छे और बेटर तरीके से उसको समझा पाएँ। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वो होगा ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंड इस सीरीज़ के जो एपिसोड्स होंगे वो आपको वेनसडे एंड सैटरडे को देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा हम एक और सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जो आपको संडे को देखने को मिलेगी, तो अगर वो इस संडे तक रेडी हो जाती है तो आपको इस संडे ही देखने को मिलेगी, अदरवाइज नेक्स्ट संडे डेफिनेटली आपको वो सीरीज़ देखने को मिलेगी। एंड उसमें भी हम कार्स एंड बाइक्स रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे उसको कवर करेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, एंड अगर आपने नहीं कर रखा तो उसको अभी के अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ABS क्या होता है एंड ये कैसे वर्क करता है, एंड उसके अलावा ये भी देखेंगे कि आपको उसको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। एंड अगर बात करें ABS हमारे कार्स एंड बाइक्स दोनों में होता है, एंड आजकल की जो कार्स एंड बाइक्स आ रही है तो इनमें आपको डेफिनेटली ये फीचर देखने को मिलता है। एंड कोई कोई बाइक के ऑप्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन होता है कि आप विद ABS ले सकते हैं, विदाउट ABS ले सकते हैं। तो इसी वीडियो में वही डिसाइड करेंगे कि हमें विद ABS लेना चाहिए या विदाउट ABS लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि ABS होता क्या है। ABS एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम होता है। इसमें एक मैकेनिज्म होता है, या आप कह सकते हैं कि सेंसर होता है जो आपकी ब्रेकिंग सिस्टम को जो है कंट्रोल करता है। यानी कि जब भी आप अपनी बाइक को हाई स्पीड पर राइड कर रहे होते हैं एंड आप सडनली कोई ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो आपके जो ब्रेक की डिस्क होती है वो एकदम से लॉक हो जाएगी, अगर आपकी बाइक में ABS सपोर्ट नहीं है तो। लेकिन अगर आपकी बाइक में ABS सपोर्ट है तो वो डिस्क एकदम से लॉक नहीं होती, वो आपको थोड़े थोड़े टाइम के लिए लॉक होती है एंड थोड़े थोड़े टाइम के लिए रिलीज होती है। यही काम होता है ABS सिस्टम का। वो आपकी टायर की स्पीड के हिसाब से एनालाइज करता है कि आपको कितने ब्रेक अप्लाई करने हैं एंड कहाँ पे रिलीज करना है। जब आप एकदम से ब्रेक को होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा टायर जो है वो लॉक नहीं होता, यानी कि जो डिस होती है वो लॉक नहीं होती है, जिस वजह से आपके ब्रेक जो है धीरे धीरे अप्लाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि ABS बाइक में हमारा जो ब्रेकिंग का डिस्टेंस है वो जो है बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ABS बाइक में आपका जो ब्रेक लेने का डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बिकॉज विदाउट ABS में क्या होता है, जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपका जो व्हील है वो लॉक हो जाता है, यानी कि जो आपका डिस्क ब्रेक है वो व्हील को लॉक कर देता है, जिस वजह से आपकी बाइक जो स्केट लेते हुए रुकती है तो आपका वहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन विदाउट ABS में जो बाइक का रिलीज होता है ब्रेक बार बार, इस वजह से क्या होता है, आपकी बाइक स्केट नहीं लेती है, इस वजह से आपका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी जल्दी कवर हो जाता है ब्रेक लेने का। इसलिए हमें ABS में जो है डिस्टेंस कम मिलता है एंड विदाउट ABS में आपको जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा मिलता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ABS कितना बेनिफिट है हमारे लिए। तो ABS कार एंड बाइक में दोनों में बेनिफिट देता है हमें। वो कैसे देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रुक रुक के ब्रेक लेता है, इस वजह से क्या होता है हमारा जो बैलेंस है वो कभी भी बिगड़ेगा नहीं। अगर आप टू व्हीलर राइड कर रहे हैं देन आप सडनली ब्रेक लेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी गिरने का डर नहीं रहता है, बिकॉज ABS जो होता है वो आपको सडन टाइम पे एनालाइज करके अपने हिसाब से ब्रेक देता है, जिस वजह से अगर आपके सामने कोई गड्ढा भी आ जाता है तो आप उसके साइड से इजीली निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बाइक में ABS नहीं है तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, बिकॉज अगर आप ब्रेक अप्लाई करके उसको साइड से निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपकी बाइक के स्केट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज जो आपका जो व्हील होता है, आपकी जो डिस्क होती है, वो पूरी तरह से लॉक हो जाती है। इस तरफ से ये जो है बाइक में बेनिफिट देता है। एंड सेम कार में भी ऐसा होता है, जब आप उसको साइड से निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पे भी आपका जो स्टेयरिंग व्हील होता है वो अच्छे से काम नहीं करता है, एंड इस वजह से आपका जो है वो बैलेंस जो है डिसबैलेंस हो जाता है, इस वजह से आप बाइक से भी गिर सकते हैं एंड आपकी कार का भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि जिस बाइक या कार में ABS हो उसी को आप हाई स्पीड पर ड्राइव करें। तो ये तो था कि ABS क्या होता है एंड कैसे वर्क करता है। इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे बाइक में आपको ऑप्शन मिलता है सिंगल चैनल ABS एंड डुअल चैनल ABS, एंड वो भी डिफरेंट डिफरेंट बजट पे अवेलेबल होते हैं। एंड सेम कार में भी होता है, आपको ABS मिलता है, किसी किसी में आपको ABS विद EVD मिलता है एंड किसी में आपको ABS विद ESC मिलता है। तो इसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिंगल चैनल ABS एंड डुअल चैनल ABS कैसे वर्क करता है एंड सेम कार में जो ABS सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही आप इस टाइप की और क्या क्या वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।